हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सचिन राज पुरोहित, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आहोर के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का एक नॉवेल। हम एक बुक पढ़ चुके हैं जिसका नाम होता है शॉर्ट स्टोरीज ऑफ यस्टरडे एंड टूडे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक नॉवेल है, लिखा हुआ है जेन ऑस्टिन के द्वारा। जेन ऑस्टिन इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं, और जिसके अंदर ये जो प्राइड एंड प्रेजुडाइस है, इनका बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेल है। प्राइड एक किसी गर्व या अहंकार या घमंड को कहा जाता है, और प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, किसी के प्रति भेदभाव या पूर्व धारणा बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कहानी के अंदर क्या है, ये तो हम कहानी को जब शुरू करेंगे और जब तक एंड नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आज के इस राइटर जेन ऑस्टिन के बारे में जानते हैं और उसके बाद इस कहानी की भूमिका को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं। जेन ऑस्टिन, जो कि 1775 में जिनका जन्म होता है 1775 में, और इंग्लिश नॉवेल के अंदर या इंग्लिश लिटरेचर में हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट पर्सन है। पास अवे, यानी इनकी मृत्यु जो है वो 1817 में होती है। सी वॉज द सेकेंड डॉटर, दूसरी लड़की है ये। सेवन चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ एट, आठ बच्चों का जो परिवार है या आठ लोगों का जो परिवार है, उस परिवार में इसका नंबर है सातवां। और जो इस परिवार में 6 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, उन 2 गर्ल्स के अंदर सेकेंड गर्ल है जेन ऑस्टिन। तो ये इनका एक पेट्रोनेज या एक फैमिली बैकग्राउंड हो गया है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या रचनाएं लिखी हैं, किस प्रकार से इन्होंने काम किया। सी विविडली डिपिक्टेड इंग्लिश मिडिल क्लास, इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से इंग्लिश मिडिल क्लास की जो लाइफ है ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान जो इंग्लिश मिडिल क्लास की जो फैमिली है, उनकी जो लाइफ है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से डिपिक्ट किया है, दर्शाया गया है इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से। हर क्लोजेट कंपेनियन, उनका जो क्लोजेट कंपेनियन या जो कंपनी थी थ्रू आउट हर लाइफ, उसकी जो लाइफ में वॉज हर एल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन थी उसके साथ उनकी अच्छी कंपनी थी, नाम था उनका कसेंड्रा। नाइदर जेन नोर कसेंड्रा मैरिड, ना तो जेन और ना ही उनकी सिस्टर मैरिड थी, यानी शादीशुदा नहीं थे। आइए नज़र डालते हैं इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने जो काम किया है, जो नॉवेल्स लिखे हैं उनके बारे में। सी पब्लिश्ड 4 नॉवेल्स, इन्होंने 4 नॉवेल्स पब्लिश किए थे ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। पूरी लाइफ में इन्होंने जो नॉवेल्स पब्लिश किए थे उनमें जो 4 नाम हमें दिखते हैं, एक है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि 1811 में इन्होंने लिखा था। इसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जो कि 1813 में लिखा था। मैंसफील्ड पार्क, जो कि 1814 में लिखा जाता है, और है एमा, जो कि 1815 में लिखा गया था। तो ये है इनका लिटरेरी बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड, जो कि इनका पेट्रोनेज था। तो यहाँ पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा एलिजाबेथ जेन के बारे में। एलिजाबेथ जेन कौन है, और एक नाम और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, फिट्स विलियम डार्सी। ये 2 पर्सन ऐसे हैं इस कहानी के अंदर जिनके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। एलिजाबेथ जेन, जो कि जिसके ऊपर ये नाम बना है प्रेजुडाइस, यानी जो पूर्वाग्रह है, वो एक एलिजाबेथ बेनेट पालती है किसके प्रति, इस डार्सी के प्रति। और जो प्राउड हैं, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो फिट्स विलियम डार्सी हैं। तो इस कहानी को हम जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, एक बेनेट फैमिली है और उनकी 5 डॉटर्स हैं। उन डॉटर्स का नाम है, सबसे बड़ी डॉटर है जिसका नाम होता है जेन बेनेट, एक डॉटर है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस कहानी में। एक लड़की है जिसका नाम है मैरी बेनेट, एक लड़की है जिसका नाम है किट्टी, या इसको कैथरीन भी कह सकते हैं, इसका नाम कैथरीन भी मिलता है, और एक सबसे छोटी लड़की जिसको अपनी माँ के प्यार ने, लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है, उसका नाम है लीडिया। यहाँ पर एक करेक्टर और आते हैं, मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस कौन है, मिस्टर कॉलिंस एक
या कह सकते हैं एक वारिस है एक प्रकार से इस फैमिली का, क्योंकि इस फैमिली में सारी लड़कियां ही हैं, लड़का कोई है नहीं, तो ये किसी न किसी एक लड़की से शादी करने के लिए आएगा और वारिस बनेगा। मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर जो कि इस एलिजाबेथ के या इन ये जो डॉटर्स हैं इनकी, इनके अंकल आंट हैं। एक कैरेक्टर और है चार्लोट लुकास। चार्लोट लुकास कौन है? ये जो एलिजाबेथ बेनेट है उसकी एक फ्रेंड है, तो हम कह सकते हैं इसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है, और इसका भी यहाँ पर वर्णन आएगा जैसे ये मिस्टर कॉलिंस है, ये इससे शादी करके जाएगा। आगे एक कैरेक्टर आएगा चार्ल्स बिंगले, वो फैमिली है। यहाँ पर दो फैमिली का डिस्कशन होगा फ्रेंड्स। एक फैमिली है मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की फैमिली, जिनके 5 डॉटर्स हैं, और पास में रहने के लिए एक फैमिली आएगी जिसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले या बिंगलेस फैमिली। इसकी भी एक सिस्टर है जिसका नाम है मिस कैरोलिन बिंगले, जो अभी शादीशुदा नहीं है, और एक सिस्टर है जिसका नाम होता है मिसेस हर्स्ट, जो कि हर्स्ट से शादी करती हैं, तो ये मिस्टर एंड मिसेस हर्स्ट बन जाते हैं। फिट्स विलियम डार्सी का परिचय हो गया है, ये इस चार्ल्स बिंगले का एक फ्रेंड होता है। मिस जॉर्जियाना डार्सी जो कि इस डार्सी की एक सिस्टर है। लेडी कैथरीन कौन है? लेडी कैथरीन वो लेडी है जो कि इस डार्सी की आंट भी लगती है, और लेडी कैथरीन इस कॉलिंस की बॉस है एक तरह से, या इसकी जो संरक्षिका है वो है। जॉर्ज विकम इस पूरी फिल्म का विलेन है। जॉर्ज विकम एक आर्मी के अंदर ये लेफ्टिनेंट की भूमिका में होता है। तो फाइनली ये कहानी बहुत कंफ्यूजिंग भी है, पूरा नॉवेल कंफ्यूजिंग भी है, कौन किससे प्यार करता है क्या नहीं करता है, क्या इस स्टोरी के अंदर लव ट्रायंगल बनता है नहीं बनता है, तो पूरे कंफ्यूजिंग नॉवेल को मैं कोशिश करूंगा कि आप तक बहुत इजी वे में पहुंचाऊं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी को इस प्रकार से शुरू करेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जिस बेनेट फैमिली की हम बात कर रहे हैं, विद देयर 5 डॉटर्स इन लॉन्गबोर्न नाम की एक जगह पर ये जो बेनेट फैमिली है वो रहती है अपनी 5 बेटियों के साथ। 5 बेटियों के नाम हमने बता दिए हैं, सबसे बड़ी बेटी आप देख सकते हैं जेन बेनेट, फिर एलिजाबेथ बेनेट, मैरी, किटी, लीडिया, ये 5 डॉटर्स होती है, इनके साथ यहाँ पर ये रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर क्या होता है कि पास में एक फैमिली और आती है। पास में जो फैमिली आती है उसका नाम होता है बिंगले फैमिली, कम्स टू स्टे एट नीदरफील्ड पार्क। नीदरफील्ड पार्क लॉन्गबोर्न के बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, और वहाँ पर एक फैमिली आती है। यहाँ इस फैमिली की बात करूँ मिस्टर और मिसेस बेनेट की, तो मिस्टर बेनेट जो हैं वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के हैं, ज़्यादा हर चीज़ के लिए अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन जो मिसेस बेनेट हैं, मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी जो 5 डॉटर्स हैं उनकी शादी, यानी उनमें से किसी एक की भी शादी अगर किसी रिच फैमिली से हो जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये कब से सोच रही थी, लेकिन उनका ये सपना अब सच होने वाला है। कैसे सच होने वाला है? जब बिंगले फैमिली उनके बिल्कुल पास में नीदरफील्ड पार्क में आने वाली होती है या वहाँ पर रहने लगती है, तो उनके मन में लगता है कि कहीं कहीं, आपको एक बात और बता दूँ, बिंगले फैमिली में जो बिंगले हैं जिसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले, ये एक रिच पर्सन है, एक पैसों वाला लड़का है, तो ये फैमिली उसके पास रहने को आती है। बिंगले फैमिली कम्स टू स्टे नीदरफील्ड पार्क, तो बिंगले फैमिली जब पास में रहने आती है उस नीदरफील्ड पार्क में, तो उसके साथ कौन कौन आते हैं? बिंगले के साथ उसकी 2 सिस्टर्स आती है, जिनका वर्णन हमने पीछे किया है कैरेक्टर्स के अंदर। बिंगले फैमिली में बिंगले और उसकी 2 सिस्टर्स, इसके साथ ही उसका एक फ्रेंड भी है फिट्स विलियम डार्सी, उस डार्सी के एक सिस्टर भी है जिसका भी वर्णन आगे आएगा। तो यहां तक आप समझ चुके हैं सारी बातों को, अब आगे बढ़ते हैं। अक्वाइंटेंस बिटवीन बोथ फैमिली, दोनों फैमिली में एक बार परिचय होता है। कैसे परिचय होता है? एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, किसी पार्टी में ये दोनों फैमिली मिलती हैं, उस फैमिली में एक छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, उस पार्टी के अंदर ऐसा देखा जाता है या कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी बेटी है इनकी, जो जेन बेनेट है वो किसके नज़दीक आने लगती है? वो चार्ल्स के नज़दीक आने लगती है। चार्ल्स कौन? चार्ल्स बिंगले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ल्स बिंगले हैं उसकी नज़दीकियाँ किससे होगी? जेन की, और जेन और इन दोनों के बीच में अब नज़दीकियाँ होगी, क्योंकि उस पार्टी में क्या करते हैं, जेन के साथ डांस करता है बिंगले डांस करता है जेन के साथ। तो ये देखकर उसकी माँ को बड़ी खुशी होती है, मिसेस बेनेट को, चलिए कोई बात नहीं, ये कम से कम एक लड़की तो यहाँ पर
एक रिच पर्सन के साथ अगर शादी हो जाएगी तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल बात हो रही थी वहां पर। तो यहां ये पार्टी का सीन नजर आता है। यहीं पर आप देखिए बिंगले फॉल्स इन लव विद जेन वेनेट, यहां पर जेन के प्यार में पड़ जाता है ये चार्ल्स बिंगले, और वहीं पर नाचते हुए ये इसके साथ डांस भी कर रहा है और डांस करते हुए अपनी बात भी बताता है किसको, इसका एक फ्रेंड है डार्सी, वो भी वहां बैठा हुआ है। एक्चुअली रियल बात यह है कि डार्सी जो है वो चार्ल्स बिंगले से भी ज्यादा पैसों वाला है, लेकिन उसकी एक उसके अंदर जो दुर्गुण कह सकते हैं या एक बुराई कह सकते हैं वो है उसका घमंड। उसके अंदर एक घमंड है या कह सकते हैं घमंडी व्यक्ति है, बहुत उसका अभिमान बहुत ज्यादा है, और यही अभिमान उसके और एलिजाबेथ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। इसका जो फ्रेंड है चार्ल्स बिंगले वो जेन के साथ डांस कर रहा होता है तो वो अपने फ्रेंड को डार्सी को भी कहता है कि तू बैठा क्यों है भाई, तू भी एक काम कर, तू भी डांस कर। और वो इशारा करता है, जब वो पांच डॉटर्स होती हैं उन पांच में से एक डॉटर जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, वो भी सुंदर होती है समझदार भी होती है, तो उसकी ओर इशारा करके कहता है क्यों ना तू एलिजाबेथ के साथ डांस करे। तो ये अपना घमंड वहाँ पर प्रदर्शित करता है, वो ये बताता है कि नहीं यार वो इतनी कोई खूबसूरत है नहीं, तो इस प्रकार से अपना घमंड बता रहा है। हालांकि खूबसूरत तो थी लेकिन वो इतना घमंडी है कि इसको बता नहीं पा रहा है। तो ये ऐसे कहता है और उसी दौरान ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है, ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है कि उसने मुझे घमंडी का अपने आप को वो घमंडी है और इस बात को शो कर रहा है कि एलिजाबेथ इतनी सुंदर नहीं है तो मैं उसके साथ डांस नहीं कर सकता। ये बात जैसे वो सुनती है तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और यहीं पर इस नॉवेल का जो टाइटल है फ्रेंड्स वो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर नज़र आएगा प्राइड, किसका प्राइड, डार्सी का प्राइड, और डार्सी के प्रति जो प्रिजुडाइस है यानी उसके प्रति जो पूर्वाग्रह की भावना है। पूर्वाग्रह या प्रिजुडाइस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप किसी व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से जाने बगैर उसके प्रति आप कोई अवधारणा या कोई धारणा रखते हैं या उसके प्रति हम भेदभाव रखते हैं, तो वो होता है प्रिजुडाइस। कैसे ये भ्रम है जो उत्पन्न हुआ है और कैसे ये भ्रम टूटेगा वो तो कहानी आगे बढ़ेगी तभी पता चलेगा। लेकिन जैसे ही डार्सी ने कहा कि मुझे तो ये इसके साथ मैं क्या डांस करूँ ज़्यादा इतनी सुंदर है नहीं, तो ये बात ये सुनती है और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब एलिजाबेथ क्या कर रही है, डार्सी को बुरी नज़र से देख रही है, सोच रही है कि यार ये तो घमंडी आदमी है इससे बात नहीं करेंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बिंगले फैमिली इनवाइट्स टू जेन, पार्टी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद थोड़ा समय बीतता है और बिंगले फैमिली जो है, बिंगले फैमिली यानी उसकी जो सिस्टर्स हैं चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर्स हैं वो इनवाइट करती है जेन को एक डिनर पर, डिनर के लिए इनवाइट करती है, तो वो अकेले तो जा नहीं सकती तो अपनी सिस्टर के साथ जाती हैं और उसकी सिस्टर का नाम होता है एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट जो है वो जेन के साथ जाती हैं डिनर के लिए। हालांकि उस दौरान एक घटना ये भी होती है कि जेन बीमार पड़ जाती है और लगभग 7 दिन उनको रुकना पड़ता है वहीं पर, तो वहां पर ये रुकती है। तो वहां आप कह सकते हैं कि डार्सीज अट्रैक्शन टुवर्ड्स एलिजाबेथ, अब क्या है वहां वो एलिजाबेथ को भी देखता है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो डार्सी जो कि अपना घमंड बता रहा था, अब जो डार्सी और एलिजाबेथ जेन वहां पर मिलते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन है वो एलिजाबेथ की ओर होने लगता है। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैरोलाइन बिंगले या कैरोलिन बिंगले लाइक्स डार्सी। देखिए फ्रेंड, जैसे ही एलिजाबेथ को डार्सी पसंद करने लगता है तो वहां एक कॉन्फ्लिक्ट और हो रहा है। ये कैरोलिन कौन है, ये कैरोलिन कहां से आ गई, कैरोलिन वो सिस्टर है जो कि चार्ल्स बिंगले की, वो सिस्टर है जिसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, वो अभी तक कुंवारी है, लेकिन चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर है कैरोलिन वो पसंद कर रही है डार्सी को, इसलिए वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करेगी। यहाँ वो नहीं चाहती है कि एलिजाबेथ की और डार्सी अट्रैक्ट हो, तो वो पसंद कर रही है डार्सी को। अब आगे देखिए, थोड़े टाइम बाद बेनेट सिस्टर्स क्या करती है, रिटर्न होती है यानी अपने घर की ओर वापस लौटती है, वहाँ पर डिनर विनर हो जाता है तो उसके बाद घर की ओर लौटती है। अब यहाँ पर एक जिक्र आएगा फ्रेंड कॉलिंस का, कॉलिंस प्रपोजल टू एलिजाबेथ। कॉलिंस कौन है, मैंने पहले बताया था कि ये उस घर का वारिस है, ये इन पांच में से किसी एक डॉटर से शादी करेगा और इस घर में आगे जो वारिस के रूप में काम करेगा वो है कॉलिंस। कॉलिंस किसके अंडर में काम करता है वो भी हमने बताया था और यहाँ आप देख सकते हैं ये जिक्र यहाँ पर आया था, लेडी कैथरीन, इनका लास्ट में नाम आएगा, हालांकि लेडी कैथरीन के अंडर में ये काम करते हैं कॉलिंस। कॉलिंस को एक शर्त पर शादी करनी थी यानी उसके लिए एक कंडीशन थी कि वो जल्दी से शादी करके आएगा तभी उसको वो सीट मिलेगी जिस सीट के लिए उसको
नौकरी मिलने वाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉलिंस प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, लेकिन एलिजाबेथ इसको क्लियरली मना कर देती है, यानी इसको रिजेक्ट कर देती है। एलिजाबेथ कॉलिंस को भी पसंद नहीं कर रही है, एलिजाबेथ डार्सी को भी पसंद नहीं कर रही है। किसको पसंद करेगी वो आगे देखेंगे हम। यहाँ पर एंट्री होगी इस फिल्म के विलेन की। उस विलेन का नाम है जॉर्ज विकहम। जॉर्ज विकहम कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, टू प्रोवोक का मतलब भड़काना, एलिजाबेथ को भड़काता है किसके प्रति, टुवर्ड्स डार्सी। अब यहाँ पर एंट्री होती है विकहम की। आपको पता है जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं और जब जिसको पसंद नहीं करते हैं उसकी बुराई कोई व्यक्ति आपको आकर करता है, तो सीधी सी बातें आप उसकी बातों पर यकीन करते हैं और इवन वो व्यक्ति आपको अच्छा भी लगने लगता है। तो यही यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ भी होने लगा। एलिजाबेथ हालांकि थी समझदार, लेकिन यहाँ पर वो मात खा रही है जॉर्ज विकहम, जो कि पहले नौकरी करता था किसके साथ, पहले वो नौकरी करता था डार्सी के वहाँ पर। लेकिन ये घटना मैं लास्ट में बताऊँगा कि वो क्या करता है, डार्सी के खिलाफ एलिजाबेथ को भड़काता है, उसके खिलाफ बुराई करता है कि वो बहुत घमंडी आदमी है, उसने मुझे अपनी नौकरी से भी मुझे निकाल दिया, और इस प्रकार की बातें करके सिंपैथी गेन करता है एलिजाबेथ से। तो एलिजाबेथ क्या करती है, यहाँ पर एलिजाबेथ को उसकी बातें सच लगने लगती है और वो अट्रैक्ट हो जाती है विकहम की ओर। अब उसको कौन पसंद आ रहा है, विकहम। डार्सी को पसंद नहीं कर रही है क्योंकि उसका घमंड उसको नज़र आ रहा है, और जैसे ही विकहम ने ये आग में घी डालने का काम किया तो उसकी आग और भड़क गई। अब देखिए, एलिजाबेथ डार्सी को भी पसंद नहीं कर रही है, एलिजाबेथ ने कॉलिंस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब अट्रैक्ट हो रही है विकहम की ओर, जो कि विलेन है इस फिल्म का। अब आगे बढ़ते हैं, जेन गेट्स लेटर फ्रॉम कैरोलिन बिंगले। कैरोलिन बिंगले मैंने बताया था वो लड़की है जो कि बिंगले की सिस्टर है, वो सिस्टर जिसकी शादी अभी तक हुई नहीं है, और वो डार्सी को पसंद करती है। ये वो कैरोलिन है जो किसको पसंद करती है, डार्सी को। अब डार्सी की ओर से एक लेटर जारी किया जाता है, और लेटर जब जेन के हाथ में आता है तो उसकी ज़मीन खिसक जाती है। ये एक इस प्रकार का लेटर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम सब, मैं, मेरे भैया सब यहाँ से छोड़ छाड़ के लंदन जा रहे हैं, और आप हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। यानी कुल मिला के ये बात करती है कि अब मेरे भाई बिंगले की शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब मेरे भाई की जो शादी है वो होगी डार्सी की बहन के साथ, डार्सी की बहन जॉर्जियाना डार्सी। यहाँ पर जिक्र आया था जॉर्जियाना, ये जॉर्जियाना डार्सी, इसके साथ शादी हो रही है। तो ये सारा लेटर जब एलिजाबेथ को भी पता चलता है कि उसकी शादी टूट गई है, तो उसकी आग और भड़क जाती है। उसको लगता है कि ये शादी भी किसने तोड़वाई होगी, ये भी डार्सी ने ही तोड़वाई होगी। तो इस प्रकार से जो पहले से ही उसके मन में जो पूर्वाग्रह था, जो उसको लेकर पूर्वाग्रह था, वो और बढ़ गया। जो प्रिजुडाइस था वो और उसके प्रति बढ़ गया। एलिजाबेथ वेंट टू मीट हर फ्रेंड चार्लोट लुकास। एलिजाबेथ की एक फ्रेंड थी, यहाँ मैं आपको बताया था कि ये जो कॉलिंस हैं, कॉलिंस जो कि एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं और एलिजाबेथ मना कर देती है, तो फाइनली ये क्या करता है, जल्दबाजी में, शादी करने की जल्दबाजी में, तो कॉलिंस क्या करता है, एलिजाबेथ की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम होता है चार्लोट लुकास, उससे शादी करके वो चला जाता है। अब देखिए, थोड़े टाइम बाद एलिजाबेथ उसकी बेस्ट फ्रेंड से, उसकी फ्रेंड से, चार्लोट लुकास से मिलने के लिए जाती है, और वहाँ पर क्या होता है देखेंगे। लेडी कैथरीन डी बोर थ्रो अ पार्टी, वहाँ पर क्या होता है, वो उससे मिलने जाती है, तो वहीं पर क्या होती है, लेडी कैथरीन एक पार्टी वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाती है। लेडी कैथरीन के उस पार्टी के अंदर डार्सी भी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो लेडी कैथरीन है वो डार्सी की आंट लगती है। क्या लगती है, आंट। तो वो अब वहाँ पर भी आता है, और वहाँ पर ये चाहता है कि वो एलिजाबेथ को क्या करे, प्रपोज करे। और फाइनली उसके मन में जो विचार थे, डार्सी प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, डार्सी क्या करता है, उस एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ होगा आगे, जो अगला सीन है उसमें क्या हुआ होगा। नंबर 1, अब इसके मन में जो पूर्वाग्रह है वो किस प्रकार का है, एलिजाबेथ को पता है कि उसने, पहली बात तो वो घमंडी है। क्यों घमंडी है, क्योंकि जो पार्टी वाला जो सीन था उसमें उसने कहा था कि एलिजाबेथ सुंदर नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है कि मैं उसके साथ डांस कर सकूं। नंबर 1। नंबर 2, विकहम की नौकरी यानी उसको नौकरी से उसने निकाल दिया था, दूसरा कारण वो, और तीसरा कारण उसकी
सिस्टर की शादी शादी टूट गई, अब उसका भी जिम्मेदार किसको मान रही है, उसको मान रही है। हालांकि उसके कितने बात सही है गलत है वो नहीं पता, लेकिन उसके मन में जो ये चीज़ें बैठ गई है इसी को कहते हैं फ्रेंड्स पूर्वाग्रह। अब एलिजाबेथ को प्रपोज करता है डार्सी, लेकिन ये एलिजाबेथ उसको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है। अब देखिए, और मना करते हुए ये भी कहती है कि तुम तो बहुत घमंडी हो, तुमने विकहम की नौकरी छीन ली, तुमने मेरी सिस्टर की शादी तोड़वा दी, यानी ये सारी बातें उसको बताती हैं। और इस प्रकार की बातें बताने के कारण वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, डार्सी बहुत डिसअपॉइंट होता है, और जाते जाते एक लेटर देकर जाता है उसको। डार्सी लेटर एक्सपोजेस रियलिटी। डार्सी क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है, बहुत निराश होकर निकलता है, लेकिन जाते हुए एक लेटर देकर जाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो रियलिटी थी सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज हो जाती है। इस लेटर के अंदर आखिर क्या था, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है। इस लेटर के अंदर उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारी बहन की शादी नहीं तोड़वाई है, यानी मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता था, नंबर वन। नंबर टू, विकहम अगर कह रहा है कि मैंने उसकी नौकरी छीन ली, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि वो मेरी एक 15 साल की जो सिस्टर है उसको भगा ले गया था, यानी उसको भगाने की कोशिश में था, और इस कारण से मैंने उसको, यानी वो एक तरह से बुरा आदमी है, वो मेरे खिलाफ भड़का रहा है तुम्हें, ये सारी बातें हैं। तो जब ऐसी बातें रियलिटी जो थी वो सारी एक्सपोज हो जाती हैं, तो अब एलिजाबेथ जेन जो हैं, एलिजाबेथ बेनेट जो हैं, वो चेंज हो जाती है, या उसके जो थॉट्स हैं अबाउट डार्सी, डार्सी को लेकर उसके मन में जो संदेह था, जो पूर्वाग्रह था, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा, यानी चीज़ें क्लियर होने लगी थी, उसको लगने लगा कि हाँ यार इसकी बात तो सही है। एलिजाबेथ वेंट ऑन ट्रिप। अब एलिजाबेथ क्या करती है, वहाँ से जैसे घर आती है वापस, तो एलिजाबेथ को लेने के लिए उसके अंकल आंट आते हैं, जिनका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। जैसे ही पार्टी से वहाँ से वो वापस घर आती है, तो इसको लेने के लिए कौन आते हैं, इसके अंकल आंट हैं जो कि मिस्टर और मिसेस गार्डिनर हैं, पेम्बरले एस्टेट लेकर जाते हैं इसको, एक ट्रिप के लिए वो जाती है पेम्बरले एस्टेट। पेम्बरले एस्टेट के पास ही कौन रहता है, डार्सी रहता है, वहाँ पर भी डार्सी उससे मिलने के लिए आता है, और फाइनली आप देख सकते हैं एलिजाबेथ एंड डार्सी कम क्लोज, दोनों अब नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, जो भ्रम है वो दूर होने शुरू हो गए, विकहम का राज खुल गया है उस लेटर के माध्यम से, तो अब दोनों क्या है, क्लोज आ रहे हैं। दोनों जैसे क्लोज आते हैं, तो यहीं पर एक घटना और होती है, क्लाइमेक्स का सीन है। लीडिया, लीडिया जो कि उन 5 डॉटर्स थी उसमें सबसे छोटी वाली थी, इलोफ यानी भाग जाती है विद विकहम। विकहम वही जिसके बारे में डार्सी ने बताया था कि वो मेरी 15 साल की जो बहन है उसको भगा ले जा रहा था, वो क्या करता है, लीडिया को भगा लेता है, लीडिया को भगा के ले जाता है। ये जब घटनाएं होती है तो बहुत शेम फील होता है पूरी फैमिली को, यानी सोशल रेपुटेशन भी डाउन होती है। तो फाइनली लीडिया की ये घटना जब सुनती है तो वो घर पर जाती है, कौन, एलिजाबेथ अपने घर पर जाती है और सारी घटनाएं अपने पेरेंट्स को बताती है। अब तभी थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो लड़की मिल गई है लीडिया, और विकहम जो कि उसको भगा के लेके गया था उसने एक डिमांड करी है, उसने कहा है कि मैं उसके साथ तभी रहूँगा जब मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, यानी उसको कुछ पैसों की मदद मिलेगी तभी वो उसके साथ रहेगा। अब पैसों की मदद कौन करे, तो ऐसा लगा कि पता चला लास्ट में कि उसको पैसे दे दिए गए हैं, और सब फैमिली ने, यानी बेनेट फैमिली ने सोचा ये पैसे उसके अंकल आंट जिसका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, उनको लगा कि ये गार्डिनर फैमिली ने पैसे देकर इस पूरी परिस्थिति को संभाल लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली लीडिया जब अपने घर वापस आती है तो वो सारी बातें बताती हैं कि उसके जो जीजू है, जीजू मतलब जो डार्सी, जो डार्सी होता है, मैंने पहले बताया था बहुत रिचेस्ट पर्सन है, वो डार्सी क्या करता है, वो सारे पैसे चुका देता है और फाइनली पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है, अच्छे से हैंडल कर लेता है। और इस बात से क्या होता है, एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जो बेनेट है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, बिंगले और जेन इनकी भी शादी होती है, और डार्सी एंड एलिजाबेथ ये दोनों भी शादी कर लेते हैं। फाइनली इन दोनों की शादी होती है, और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, यानी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। फ्रेंड्स बहुत बड़ा नॉवेल है, और इसको कोशिश करी है कि मैं बहुत छोटे से इस वे में समझाने की कोशिश की है, बहुत इजीली वे में, तो मुझे लगता है कि आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, यानी किसी के प्रति पूर्वाग्रह,
फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सीखने को मिल सकता है आपको कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह न पाले। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी न कर ले, तब तक किसी के प्रति कुछ कह देना या किसी के बारे में सुनकर बोल देना ये बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के प्रति अगर पूर्वाग्रह पालते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमें भी होता है और हमारे रिश्तों के लिए भी नुकसान है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है या हमारा जो कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग घमंड में जी रहे हैं, लोग एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह पाल रहे हैं। तो इस कहानी से सीखा जा सकता है कि जब तक आप किसी से बैठकर बातचीत नहीं कर लेते, एक टेबल पर किसी चीज़ पर बैठकर समाधान नहीं कर लेते, तब तक चीज़ें प्रेजुडाइज ही होगी। यानी चीज़ों का क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप किसी चीज़ का सलूशन नहीं करते बैठकर या उसको समझने की, अगर वो लेटर देकर नहीं जाता तो वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होती। तो यहाँ एक जो पूर्वाग्रह है वो खत्म हो गया, किसके प्रति, डार्सी के प्रति। और डार्सी का जो घमंड था, वो हालांकि थोड़ा घमंड था लेकिन इतना नहीं था जितना उसने सोच रखा था। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आप सबको ये कहानी, और आप सब जुड़े इसके लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।